सो हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आप लोगों का शैडो ऑफ द डोमिनेटर की एक नई गेम प्ले वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आप लोगों का दोस्त शुभंकर। तो देख सकते हो दोस्तों, पिछले दिन हमने यहाँ तक कंटिन्यू किया था। देख सकते हो यहाँ पर इस डरावनी से चर्च में पहुंच चुके। यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे मम्मीज है दोस्तों। यहाँ पर ये लोग प्रे करते करते ही मर गए ऐसे। यहाँ पर कितने लोग बैठे बैठे प्रे करते करते मर गए सब लोग की, मतलब क्या डरावनी सी जगह है दोस्तों। ओ यार इन लोगों की मतलब ये मतलब सूख गए इतनी देर से हवा में। आप देखो यार, जैसे मैं इनके बॉडी के मतलब आर पार से जा रहा हूँ, देख सकते हो ये बॉडी एकदम गल जा रही है दोस्तों एक तरह से, क्योंकि इनके अंदर अल्टीमेटली कुछ है नहीं, बस सर थोड़ा सा कंकाल पड़ा है। हड्डियाँ वड्डी मांसपेशियाँ मांस कुछ भी नहीं है, मांसपेशियाँ बिल्कुल भी नहीं है। ओ क्या मतलब डरावनी सी जगह है दोस्तों, बाप रे बाप, बहुत ही खतरनाक और डरावनी सी जगह है दोस्तों। तो अभी किस तरफ को इसको घुमा के देखते हैं दोस्तों, इसको ही घुमा के देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात दरअसल ये कि जो ये जो सनलाइट दूर से आ रहा है, इस सनलाइट को हमें इस पर रिफ्लेक्ट करके देखना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद ही हम इसको ओपन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने जैसा देखा ये सनलाइट को हमने ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया, अभी इसको घुमा के रखना पड़ेगा। तो इसको घुमा के किसके ऊपर रखना है, वो भी एक बात है दोस्तों, क्योंकि देखो यहाँ पर तीन अलग अलग छवि है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो बीच वाला कंकाल है दोस्तों, ये जीसस क्राइस्ट को समझाया जा रहा है। ये मतलब जीसस क्राइस्ट की तो कंकाल नहीं है, लेकिन जीसस क्राइस्ट को बताना चाह रहा है कि ये देखो जीसस क्राइस्ट को यहाँ पर प्लस पे मतलब क्रॉस पे जो है मतलब लटकाया जा रहा था। तो यहाँ पर उसको मतलब ये एक फ़ोटो है, ये एक सबकी फ़ोटो है दोस्तों, जब उनको मतलब ले जा रहा था जिन लोगों ने उनको मारा था। और ये एक दूसरी तस्वीर है जब, तो ये तब की तस्वीर है जब उनके सिर पे मतलब कांटों से लगा दिया गया था। तो मुझे लगता है दोस्तों ये बीच वाला ही होगा, क्या पता, तो मुझे वैसा लगता है। तो इसी को ट्राई करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने लाइट यहाँ पर रखा दोस्तों, तो देख सकते हो नीचे से एक हैंडल बाहर आ गया। तो क्या टेक्नोलॉजी है यार, मतलब जैसे आप इसको हाथ लगे तो हैंडल आ जाएगा। यार अभी भाला, मुझे लगा कि यार भाला अंदर से निकल के मेरे शरीर के आर पार चले जाएगा, लेकिन थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरफ का तो काम हो गया, अभी क्या, अभी किस तरफ जाना है। तो इस तरफ भी देखो दोस्तों एक लाइट आ रही है, तो इसको भी हमें धकेल के पहले पोजीशन कर लेते हैं इसके लिए। ओ तो वहाँ से लाइट जो है दोस्तों अभी मतलब ट्रांसपेरेंट होकर इस तरफ आ रही है। तो अभी लाइट किस तरफ जानी है। ओ तो ये ऑटोमेटिक अलाइन हो रहा है। तो अभी लगता है दोस्तों जीसस क्राइस्ट को लटकाने के बाद जो उनकी तस्वीर होगी वो ये वाली तस्वीर होगी दोस्तों, ये एकदम कोने वाली जीसस क्राइस्ट को लटकाया गया था जब। तो ये मुझे लगता है दोस्तों यही होने वाली है। तो इसको भी धकेल के देखते हैं, क्या पता क्या हो जाए। ओह तो फाइनली दोस्तों मुझे लगता है हमने सही वाला धकेल दिया है। क्या बात है दोस्तों, दरवाज़ा खुल रहा है, क्या सिस्टम टेक्नोलॉजी है यार, हैट्स ऑफ भाई, क्या चीज़ बना के रखी है यार इन्होंने प्राचीन समय के लोगों ने। तो ये क्रॉस देख सकते हो दोस्तों, इस क्रॉस के बीच बीच से एक दरवाज़ा खुल गया। तो दरवाजे से इस तरफ भी कुछ है, तो यहाँ पर इस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है यार, बहुत ही पुरानी जगह है दोस्तों। यहाँ पर भी कुछ मम्मीज है, एक मम्मी यहाँ पर नीचे भी गिरा हुआ है। लगता है यहाँ पर पहले कोई आया होगा, उन लोगों को ऐसा लगता है देखते हुए। His disciple wall him in and then bang. No witnesses. तो दोस्तों आपने लोग देखा जो वो कंकाल जिसका है उसका खोपड़ी एकदम पूरा की तरह फट चुका है, टूट चुका है। तो अभी इस दीवार को लाड़ा तोड़ रही है, देखते इसके अंदर क्या है, दीवार के अंदर। ओहो ये तो एक और मम्मी है दोस्तों इसके, और इस मम्मी के हाथ में दोस्तों ये एक बॉक्स रखा है। तो इसी बॉक्स को हम ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बॉक्स को हम लोग यहाँ पर ढूंढते हुए आ रहे हैं। Only the hands of the righteous one may seize destiny from mine. I guess it's you then. On this goose chase, he sabotaged every clue. All to keep this box from Trinity. And the people of Paititi. He was totally consumed by it.
तो दोस्तों लारा ने फाइनली इस बॉक्स को जो है निकाल लिया है। ओ ये क्या हो रहा है दोस्तों, भूकंप आ रही है थोड़ी थोड़ी। ओ शिट, लगता है कोई गड़बड़ हो गई दोस्तों, भूकंप आना शुरू हो गया है। ओ ओ ओ शिट शिट, जोना जोना उस तरफ गिर गया। ओ हम पानी में गिर गया दोस्तों, जोना किस तरफ गया, तो हमें यहाँ से आगे बढ़ते रहना पड़ेगा दोस्तों। किस तरफ, हाँ तो इसी तरफ जाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी तरफ आगे बढ़ते रहते। ओ यार यहाँ पर भी देखो कितने सारे कंकाल लाशें गिरी है दोस्तों, ममीज कंकाल सब है यहाँ पर। जोना पता नहीं कहाँ रहेगा दोस्तों, जोना लग कहीं वही फंस तो नहीं गया, अगर जोना को कुछ हो गया तो फिर तो मुश्किल हो सकती है। ओ यहाँ पर देखो यार कितने सारे लोगों की हड्डियाँ, ओ मुझे अभी चोट लग गई दोस्तों, एक पत्थर आके मेरे ऊपर गिर गया। तो यहाँ से आगे बढ़ते रहते, यार स्विमिंग करना भी मुश्किल हो रहा है दोस्तों, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है यहाँ पर, तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा अभी। ओ ये टूट नहीं रहा दोस्तों, अभी इसको लात मारना पड़ेगा। चलो फाइनली टूट गया दोस्तों क्या किसी भी तरह से। वो यहाँ पर देखो तो दोस्तों कॉफिन के डिब्बे भी है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने सारे लोग कंकाल है दोस्तों। ये देखो यार मुझे डर लग रहा है यार, मतलब कितने सारे हज़ारों की संख्या में लोग मरे होंगे यहाँ पर, उन लोगों की बॉडी के बीच में से हमें निकलना पड़ रहा है। तो पता नहीं ये एग्ज़िट जाके कहाँ पर निकलेगा, एग्ज़िट कितनी दूर जाके निकलेगा यहाँ पर ये मतलब। तो चलो ऊपर क्लाइंब करते जाते हैं हम लोग। ओ हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जल्दी 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 जल्दी। ओ फाइनली निकल आ गया। ओह शिट, ओह ये तो डोमिंगस है। Where is she? डोमिंगस से दोस्तों मतलब पकड़ लिया जोना को। डोमिंगस मतलब पाईटीटी से भैया पीछा करता करता यहाँ तक आ गया है दोस्तों। Fuck you! Well, I guess we're done here. Stop! Let him go! Release him, and I will give you the box. Lara, what are you doing? I've lost enough people. I know you have. Your father was brilliant. He was taken from me before I could know. He was my friend. He was obsessed, relentless. You didn't know him. He refused to see the potential for destruction in his work. He had to be stopped. You had him killed. He was going to lead the public to Paititi. Everything I love, everything I fought for. My world would have been destroyed. And what about my world? You can't think it's the same. It is to a 9-year-old girl. I was a child. There was too much at stake. An entire civilization, hundreds of years of independence, thousands of lives. I had no choice. There's always a choice. It's not too late. You can honor Unuratu and restore the sun. No. The threat must be removed. You're a low, selfish, murdering coward. And you, Lara, how many lives have you ended? In pursuit of what? ओ तो दोस्तों जोना अचानक फॉर्म में आ गया दोस्तों, तो जोना यहाँ पर भागना शुरू कर दिया, तो ये लोग पीछा करना शुरू कर दे, तो हमें बढ़ते रहना पड़ेगा। ओ चलो इसको पकड़ लेते, अभी इसका बचना मुश्किल हो गया। चलो ओ तो हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा।
शिट, यहाँ पर ट्रिनिटी के लोग भी दोस्तों भरे पड़े हैं। डोमिंगस ने ट्रिनिटी के लोगों के साथ मतलब हाथ मिला लिया है, तो इन लोगों को भी मारना मुश्किल होगा। शिट, मुझे लगा ट्रिनिटी के लोगों को मैंने खत्म कर दिया, लेकिन यार यहाँ पर अभी भी कुछ ना कुछ बचे। तीन लोगों को मारना मुश्किल होगा, मेरे पास भले ही गन है लेकिन फिर भी। तो किसको पहले टपकाया जाए? चलो इसको टपका देते, अभी इसको टपकाते। चलो इसका भी काम खत्म कर दिया मैंने। अबे चलो चलो चलो, अबे चलो चलो चलो, अबे इसको अभी कीचड़ में छुप जाते। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो इस तरफ कोई आ रहा है क्या? ओ तो ये इस तरफ आ रहा है लगता है। मुझे नहीं लगता ये इस तरफ आएगा इतनी जल्दी, तो ठीक है मैं यहाँ पर ठीक है तो मैं यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर माइंस लगा देता हूँ। चलो ये अपने आप ही फूट गया, क्या बात है। मुझे कोई मतलब कठिन मतलब मुश्किल लेनी ही नहीं पड़ी। ओह शिट, वहाँ पर एक आदमी है तो उसको ही मारना पड़ेगा हमें। तो एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं उसको मतलब वो फियर एरो से मार देता हूँ। चलो जला दिया एकदम, क्या बात है दोस्त। ओह नहीं जला नहीं, चलो मर गया लगता है। अभी कौन है क्या? अबे क्यों कोई है क्या? तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो चलो यहाँ पर तो हमने काम साफ कर दिया दोस्तों। तो अभी इन लोगों में बॉडीज़ में से कुछ है क्या लेने के लिए यहाँ पर? ओ इसकी बॉडी में से कुछ लेना है। तो तीन लोगों को तो हमने मार दिया ऑलरेडी, चलो इसको एक बॉम्ब लगा देते। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखो दोस्तों, यहाँ पर इसको अगर मैंने, ओ नहीं ये उड़, मुझे लगा दोस्तों उसके बाद अगर मतलब तीर चलाऊंगा या चलाऊंगा तो ये उड़ जाएगा अपने आप, लेकिन कोई बात नहीं। अगर अच्छा कितना अच्छा होता दोस्तों अगर मैं इन लोगों का बुलेट प्रूफ जैकेट ले पाता, लाड़ा अगर ले पाती इन लोगों का, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा कैसे भी करके, पता नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर तो चारों तरफ बस लोग ही लोग हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें इन लोगों को मरना मुश्किल हो रखता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं अपनी गन निकाल लेता हूँ, मतलब ये वाली गन निकाल लेता हूँ, एक शॉट में इन सबको उड़ा देता हूँ यहाँ से, वही करना बेहतर होगा। रिलोड कर लो, रिलोड जल्दी जल्दी रिलोड, आजा बेटा आजा आजा। चलो इसको भी टपका थे, चलो चलो दोस्तों काम हो गया दोस्तों। ये बंदूक है तो अच्छी बात है दोस्तों, जोना हमारे साथ मतलब अभी कांटेक्ट है, ये एक अच्छी बात है दोस्तों। तीन लोगों को मतलब सभी, ये मतलब ऐसा जगह था दोस्तों यहाँ पर मैं एक के बाद एक लोगों को नहीं मार सकता, अगर मारना है तो सभी को एक बार में ही मार लो, बस वही बात है। ठीक है यहाँ पर इनके बॉडी में से अगर कुछ मिलता है तो ज़रूरी चीज़ मिलती है तो उसको ले लेते। ओ तो देखो इसकी क्या हालत कर दिया हमने एकदम। ओ तो यहाँ पर और कुछ है क्या? ओ यहाँ पर थोड़ा बहुत तेल है, इसको ले लेते। इसके पीछे यहाँ पर कुछ है शायद। ओ तो ये इसको हम यहाँ पर जला देख सकते, तो ठीक है इसको हम जला देते दोस्तों इन लोगों की बॉडी को यहाँ पर। तो यहाँ पर ही जला देते। शिट, हमें थोड़ी सी चोट लगे, कोई बात नहीं हम हील कर लेंगे अपने आप को। चलो मैंने यहाँ पे ये वाली भी दवाई खा ली दोस्तों, इससे हमें पावर एनर्जी दोनों मिल जाएगी। ठीक है तो अभी इस तरफ से निकलते दरवाजे को। ओ तो भाई ऐसे इसको मतलब इसके ऊपर से जाना पड़ेगा। तो यार ट्रिनिटी के लोग भी चारों तरफ है। ओ शिट 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 शिट, छुपना पड़ेगा दोस्तों। लोग यहाँ पर भी है दोस्तों, ये लोग पूरी तरह से आर्म्ड है दोस्तों, छुपे हैं। तो दोस्तों डोमिंगस ने दोस्तों ट्रिनिटी के साथ दोस्तों पूरा प्लान करके रखा है दोस्तों यहाँ पर लोगों के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? चलो
चल बेटा तू अंदर आजा, अंदर आजा जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ चल बेटा चल। चलो चलो इसको भी अंदर खींच लेते जल्दी जल्दी जल्दी। आजा आजा आजा। तो वहाँ पर दोस्तों दो लोग हैं, वहाँ पर दो नहीं तीन है, एक दो तीन चार पाँच, इस तरफ एक है बस, बाकी उस तरफ बहुत सारे हैं। तो इसको भी अंदर खींच लेते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि इन लोगों को झाड़ियों के अंदर छुपाना जरूरी है दोस्तों, ताकि उन लोगों की इनकी बॉडीज ना मिल जाए। चलो मैंने अपने रिलोड भी कर लिया, अच्छी बात है। तीन लोग उनकी बॉडीज अभी तक मिल नहीं रही दोस्तों, तो इसको जरूर से जरूर मतलब कहीं ना कहीं तो मतलब संदेह हुआ होगा। चल 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 चल, ओ चलो ये अपने आप बॉडी में फूट गया इसका। तो यहाँ पर बाकी के लोग भी शायद आते होंगे जल्दी से जल्दी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से उड़ा देता हूँ अभी। चलो ये मर गया। शिट शिट शिट, अभी ये लोग आ रहे हैं दोस्तों, मैं गन निकाल के रखता हूँ। कौन और किस तरह से फायरिंग कर रहा है यार, ये कौन साला किस तरह से फायरिंग कर रहा है पता ही नहीं चल रहा। ठीक है उस तरफ से कर रहा है ना, ठीक है बताता हूँ आ जा। चल ओ अभी कुछ है ना, ठीक है कोई बात नहीं, अभी मजा चुका था। ओ ये फाइटर हेलीकॉप्टर, इनके पास एक एक्स्ट्रा फाइटर हेलीकॉप्टर भी है फिर पहले से, तो ठीक है भाई कोई बात नहीं, सभी को देख लेंगे, जिसको भी आना है आ जाओ। यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर एक आर्मी ट्रक यहाँ पर इन्होंने लगा के रखी है। तो यहाँ पर और कुछ तो है नहीं, इनकी बॉडी से जो भी कुछ भी मिलता है दोस्तों उसको ले लेते हैं। ये आर्मी ट्रक पेट्रोल और नहीं, यहाँ पर माइंस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पर और कोई तो आने वाला है नहीं लगता है। यहाँ पर ट्रैक्टर है, यहाँ पर मतलब ये लोकल गाँव वालों का ही मतलब खेत है दोस्तों, लेकिन ये बाहर से आकर मतलब बंदूक की जोर पर ये लोग यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं। तो यहाँ पर उस तरफ इसके ऊपर चल के देखते हुए उस तरफ कुछ है क्या। ओ शिट यार, इतना बड़ा वॉल्केनो यहाँ पर मतलब फट चुका है दोस्तों, तो यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो हमें लग रहा था यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, जोना बस मिल जाए यार, जोना मिल जाए बस एक बार फिर तो यहाँ से निकल लेंगे हम लोग। तो शिट शिट शिट, ये लोग यहाँ पर छुप के बैठे। पहले अपना पूरा डील कर लेते हैं। चलो एक बड़ा धमाका हो गया, यहाँ से बुलेट्स ले लेते जितने भी है हमारे पास। यहाँ पर एक बहुत बड़ी फौज आई है दोस्तों। शिट शिट शिट, ओ तो शिट जोना के पास हमें जल्दी पहुंचना पड़ेगा। जोना अभी है किस तरफ, इस तरफ से जाना पड़ेगा। ओ हाँ जिस तरह जा, इस तरफ से जाना पड़ेगा हमें उसको तोड़ते। टूट गया, चलो यहाँ पर इसके बॉडी पे ऊपर से कुछ था यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। चलो इसी तरफ से निकलते। शिट शिट शिट, लगता है भूखा मारा है दोस्तों, या फिर ज्वालामुखी की वजह से दोस्तों ये जगह टूट रही है। शिट 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 शिट, जोना कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। ओ शिट, इन लोगों ने जोना को पकड़ लिया, तो जोना को भी हेलीकॉप्टर से पकड़ फेंक दिया, लेकिन अच्छी बात है ज़्यादा ऊंचाई से नहीं फेंका, जोना को ज़्यादा चोट मुझे नहीं लगता लगी होगी। तो डोमिंगस अभी भाग रहा है दोस्तों, यहाँ पर से भूकंप आ रहा है, यहाँ पर वॉल्केनो फूट रहा है, डोमिंगस यहाँ पर से भाग रहा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, डोमिंगस को भी एक दिन मतलब उसने जो किया उसका उसको सबक ज़रूर मिलेगा डोमिंगस को, आगे आने वालों में वीडियो मिलेगा दोस्तों, उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना।
रोमिंगस को भी हम दिखाएंगे कि ये हम क्या कर सकते हैं। ओ दोस्तों, ये तो मतलब कुछ वैसा सीन हो रहा है दोस्तों जो हमने जुरासिक वर्ल्ड में देखा था या फिर हॉलीवुड फिल्म 2012 में देखा था। ओ ये वैसा ही हो रहा है दोस्तों जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम में, जैसे देखा था आइलैंड ब्लास्ट हो गया या फिर जो हमने देखा था 2012 हॉलीवुड फिल्म में ब्लास्ट हो रहा है। तो पूरा का पूरा वॉल्केनो दोस्तों जब फूट रहा है तो हमें यहाँ पर और क्या करना पड़ेगा, तो हमें मुझे लगता है दोस्तों ये हेलीकॉप्टर का पीछा करना पड़ेगा क्या। यहाँ पर पानी आ रही है दोस्तों, यहाँ पर हमें भागते रहना पड़ेगा। कट 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 कट, पूरा का पूरा गांव दोस्तों तबाह हो रहा है। ओ यार यहाँ पर क्या तबाह होगी दोस्तों। ओ शिट, ये आदमी लगता है नहीं बच पाएगा दोस्तों, मुझे बेचारे के लिए बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। शिट यहाँ पर कितने सारे लोग और मर जाएंगे, कितने लोगों का घर है दोस्तों यहाँ पर। ओ शिट शिट शिट, हमें कहाँ से भागना पड़ रहा है यार। क्या हॉलीवुड मतलब यार, टॉम क्रूज बना दिया मुझे एकदम। शिट 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 यार, यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। ओ चलो, ये क्या हो, यहाँ क्या हो रहा है। ओ यहाँ पर पूरा जमीन टूट रहा है। ओ यहाँ पर चारों तरफ से जमीन की जैसे पानी, कीचड़ वाला पानी बह रहा है। चुके चकड़ा गया है, क्या हो गया पता नहीं, तो पूरा पाँव तले से जमीन हट गया है। ऐसा पहले मेक्सिको में भी हुआ था, लेकिन मुझे लगता है ये इस बार मेक्सिको भी इससे ज़्यादा खतरनाक है। ओ यार क्या हो रहा है। चलो पहुंच गया, यहाँ पर स्लाइड करते हुए जाना पड़ेगा। चलो ये एक लकड़ी का घर है यहाँ पर, ये पूरी तरह से चिल्ड हो चुका है। चलो यहाँ पर हम दूसरे एक लैंड की स्तर पर पहुंच गए, लेकिन जोना का क्या होगा, जोना और उसकी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ पता नहीं। ओह शिट 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 शिट, हमें लगता है यहाँ से पानी में गिरना पड़ेगा। ओ चलो नहीं, जल्दी से आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों, वरना ये चट्टान या और ये जितने भी घर है दोस्तों ये हमारे ऊपर आके हम गिर के हमें तबाह कर सकते हैं। हमें आगे तैर के यहाँ से आगे निकलना पड़ेगा। ओ फाइनली हम यहाँ पर ऊपर आ गए दोस्तों। जूना पता नहीं क्या होगा यार, जूना को तो पानी में बहते हुए देखा था मैंने। जूना कहा गया, एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है दोस्तों। डोमिंगस पहले मेक्सिको से भी भाग गया और अभी यहाँ से भी भाग गया, वो हाथ में नहीं लग ही नहीं रहा दोस्तों। तो ये देख सकते हो, तो इस तरफ कोई थोड़ी सी शांत लगती है। ये अमेजोन रिवर है क्या, हो सकता है क्या पता। तो जोना तो सामने बैठा है, जोना के साथ और कौन है, लाड़ा है और इसके लाड़ा लगती है। हाँ दोस्तों लाड़ा है और जोना की गर्लफ्रेंड लगता है अभी भी वहीं पर है दोस्तों, कुआ क्या कुएं में। तो जोना और लाड़ा को यहाँ पर एक बोट मिल गई दोस्तों, लगता है जोना की गर्लफ्रेंड ने ही यहाँ पर इंतज़ार कर दिया होगा। तो दोस्तों हम लोग तो यहाँ पर कुआ क्या की तरफ उस बॉक्स को लाने के लिए गए थे, लेकिन उस अल्टीमेटली उस बॉक्स को भी दोस्तों मतलब वो लोग लेके चले गए। हमारा मकसद यह था दोस्तों कि उस बॉक्स को हमें वहाँ से ला के पाईटीटी लाना पड़ेगा, लेकिन डोमिंगस बॉक्स को लेके भी भाग गया। तो यहाँ पर बॉक्स और चाबी मतलब डैगर जो है दोस्तों आप लोगों ने सेकेंड एपिसोड में देखा होगा, वो दोनों को वो लोग चले गए। तो हमें खाली हाथ पाईटीटी वापस जाना पड़ रहा है, पता नहीं वहाँ पर जाके क्या जवाब दूंगा। उनोराटू को तो मर गया, उसके बेटे को भी जवाब देना पड़ेगा हमें। We will get the box and we will stop Dominguez. तो ये देख सकते हो दोस्तों हमें गुफा के अंदर चले गए। तो ये देख सकते हो ऊंचू यहाँ पर है, तो इस गुफा के उसी तरफ से नदी जाती है और इस गुफा की इसी तरफ से पाईटीटी आप पहुंच सकते हो। तो ये एक मॉडर्न मतलब जेट बोट पे आ गए, तो ठीक है ये फाइनली हम लोग दोबारा से आ गए पाईटीटी में। Your Highness, अपने कपड़े भी बदल लिया है। Where is the box? Amaru has it. But the death of the sun draws near. We'll get it back before he completes the ritual. This will not be easy. We'll have to adjust the plan. Please, take your time to prepare yourself. We'll gather intelligence and fighters. Thank you. I'll stay here and lend Uchu a hand. Let me know if you need anything. Okay. तो दोस्तों पाईटीटी के वापस आ गए दोस्तों, उसी गुफा में जहाँ से हमने एक बार
अपना काम शुरू किया था, तो यहाँ पर कुछ नए एडवेंचर्स भी आप लोगों ने देखा होगा। इससे बात करते हैं, इससे बात तो पहले ही हो चुकी है। यहाँ पर कुछ है क्या, इससे ले लेते। यहाँ पर ब्लैक पाउडर मिला है, तो इससे हम बॉम्ब्स बना सकते हैं दोस्तों, ब्लैक पाउडर को लेकर। चलो यहाँ पर भी कुछ था, उसको ले लेते हैं। तो अभी जाना किस तरफ है वो देख लेता हूँ। यहाँ पर भी कुछ लकड़ियाँ है दोस्तों, ले लेते हैं अपने तीर के लिए। हालांकि बंदूक तो है अपने पास, तो इसी बेस कैंप पे देख लेते दोस्तों। बेस कैंप पे बैठ के कुछ काम है तो वो कर लेते। तो मेरे पास स्किल्स कितने हैं, 2-3 स्किल पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये गन वाली स्किल्स को हम अनलॉक कर लेते हैं यहाँ पर, इसी को अनलॉक करते 3 स्किल पॉइंट्स से। वाइपर्स वेनॉम, ठीक है। तो इससे हम तो राइफ़ल को सिलेक्ट कर सकते हैं और ऐसा करके हम उसे पॉइजन लगा के फेंक सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये एक अच्छा स्किल हमें अनलॉक कर लिया। तो और इन्वेंट्री में हम देख, क्या हमें कुछ बदलने की ज़रूरत है क्या? इस साइलेंट पिस्टल को ले ले क्या, साइलेंट पिस्टल को ही ले लेते, क्या बोलते हो? तो इसको एक बार अपग्रेड करके देखें क्या। अभी तो हमारे पास ये वाला है, तो इसको अपग्रेड करके देखते हैं। इसको अपग्रेड करने से मतलब कितना बेनिफिट हमें मिलता है। चलो ये अपग्रेड हो गया, तो अभी इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते हैं। चलो ये हो गया, लेकिन यार फिर भी ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों यही दे रहा है। इसका रेट ऑफ फायर रीलोड स्पीड थोड़ा सा बढ़ ज़्यादा है और कुछ नहीं। तो इसको अभी अपग्रेड करते हैं। हाँ, ये बंदूक हमारे बहुत काम आ रही है आगे। चलो ये अपग्रेड हो गया, इसको भी अपग्रेड कर लेते हैं। तो चलो इतने, ये सब तो अपग्रेड हो गया अभी तक। और अगर इसको अपग्रेड कर लूँ तो इसको भी अपग्रेड करके देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा बेनिफिट जो देगा दोस्तों उसी को हम रखेंगे अपने पास। इसको भी अपग्रेड कर लेते हैं। तो हो गया ये एक हो, ओ नहीं, इस पर अभी भी एक अपग्रेड बाकी है। ओह, तो ये नया वाला अपग्रेड बाद में अनलॉक हुआ है, तो इसको भी अपग्रेड कर लिया है, ठीक है। तो ज़्यादा बेनिफिट तो इसका डैमेज ज़्यादा है, इसका एक्यूरेसी ज़्यादा है बस। इसका एमो कैपेसिटी थोड़ा कम है, इसका एमो कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इसी को रखते हैं अभी के लिए। इसको बाद में कभी शिफ्ट कर लेंगे। किसको रखे, डैमेज उतने डैमेज से क्या ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्या, वो भी एक बात होगी। इसका रेट ऑफ फायर ज़्यादा है, एक्यूरेसी थोड़ा कम है, तो इसी को रखते हैं दोस्तों अभी के लिए। और चलो ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग। तो चलो ऊँचू से कुछ बात और करनी है। चलो बात कर लेते ऊँचू से। You too, Uchu. How are the preparations going for Etsley's coronation? Not well, sadly. Shortly after you left Paititi, a group of hunters pulled Zan's body from the wilderness. Zan, was he one of the men you sent out? To retrieve the champion's bow, yes. Lara, I hate to ask you, but... But would I go and get the champion's bow? It's a lot to ask. This is the most difficult of the items to retrieve. Zan was one of our best. May I ask what makes this bow so special? Queen Unaratu's ancestors carved it from the first Seiba tree to grow in the wilderness outside the city. It has been handed down through generations. She bestowed it upon Sairi, Etsli's father, on their wedding day. It joins the two families together, but it was lost many years ago, taken by the Nahual. The Nahual? That's someone who has the power to transform into an animal, right? Yes. This one stalks the jungle outside the city. Envious, it tricks Sairi into giving it the bow. Etsli is the rightful heir of the champion's bow. Without it, he cannot be king. Okay, point the way. Thank you. You will find the entrance directly across from here, up the shore of the river. Don't worry, I'll do my best to get the bow. तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऊँचू से बात हो गई। अभी लग एक बार बात कर लेते इससे भी, जोना से भी। What are you two up to? Uchu and I are swapping scar stories. Jonah tells me you have a few yourself. No great tales with mine, just me being callous. I got this one here from my cousin, Eli. Your cousin gave you that? And are you still speaking? Well, it wasn't my cousin exactly. It was a worm that I... Perhaps I had to have been there.
Yeah, probably. So what about you? That one looks like it's got a good story to go with it. What happened? A very ancient recipe. If my recipes did that, I think I'd rather starve. It is not that kind of recipe. This one was for a weapon. Ah, what sort of weapon? The White Breath. It is a poison found deep in the wilderness. Its effects would double our numbers without adding a single life. Just the thing the Rebellion needs to push back Amaru and his army. So what happened? I failed. You couldn't find it? No, my friend. I was not worthy. To master the recipe of the White Breath, you must traverse the Path of Fear. It is a treacherous place filled with terrible demons. You believe the White Breath could save rebel lives? Many, but that hope is lost now. I cannot go back. It is too dangerous. What if I went with you? We could get the recipe for the White Breath together. I appreciate your offer, Lara, but the Path of Fear must be taken alone. Then I'll go. I cannot ask you to do that. You didn't. I'm offering. No. Lara, maybe this isn't something Uchu, you should... I can help. Please, let me. Take the passage through the water beneath this cave. It will lead you to the wilderness. From there, you're on your own. तो दोस्तों आप लोगों ने अभी देखा दोस्तों कि हमें यहाँ पर बताया कि ऊँचू ने कि इस पानी के नीचे से रास्ते से हमें जाना पड़ेगा तो इसी रास्ते से अभी चलते हैं ठीक है चलो यहाँ से इसी रास्ते से चलते हैं आगे जहाँ पर हमें जाना पड़ेगा उस रेसिपी को ढूंढने के लिए ऊँचू जिसके बारे में बताया था यहाँ पर पानी में करंट बहुत ज़्यादा है दोस्तों मतलब पानी से स्विम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है वो अगर मैं गेम खेल रहा हूँ दोस्तों मुझे मैं फील कर पा रहा हूँ आप लोग भी अगर खेलोगे तो आप लोगों को भी फील होगा कि यहाँ पर पानी का मतलब बहाव थोड़ा तेज़ है क्या जगह है यार तो चलो अभी यहाँ से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा ओ नहीं ऊपर ओ नहीं नीचे की तरफ यहाँ से ही रास्ता है हाँ तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है चलो ये हम एक दूसरी तरफ आ गए यहाँ पर कुछ है यहाँ पर से जाने नहीं यहाँ से जाने के लिए तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा हम इस तरफ से आए थे यहाँ पर पानी है ओ नहीं दोनों तरफ पानी है ओ ओ तो हमें इस तरफ जाना पड़ेगा अच्छा अच्छा तो हमें यहाँ पर दोनों तरफ पानी है क्या बात है यार यहाँ पर एक देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर पाइटीटी के लोग यहाँ इस नदी पे मतलब इतनी ज़्यादा लाशें नहीं है अगर है भी तो बहुत कम है कंपेयर टू बाकी जो हमने देखा था पिछले कुछ मिनट टाइम से हमने तो ये एक नई जगह पे आ गए दोस्तों पानी कितना ज़्यादा साफ है दोस्तों आप देखो तो यहाँ से हम आगे बढ़ते रहते तो यहाँ से हमें जाना पड़ेगा यहाँ से हम जा सकते हैं क्या नहीं यहाँ से हम नहीं चढ़ाई नहीं कर सकते चढ़ाई करें तो करें कहाँ से किस तरफ से जाए वही तो बात है मतलब ज़मीन पर ज़मीन से निकले कैसे चलो हाँ तो यहाँ से हम निकल गए तो अभी किस तरफ जाना है शिट पानी में गिर गया दोबारा यहाँ से हम भी ऊपर नहीं चढ़ सकते फिर से वहीं पर जाना पड़ेगा दोस्तों अगर पानी में एक बार गिर गया दोस्तों फिर तो मतलब वापस वहीं से शुरू करना पड़ेगा मुझे जहाँ तक लगता है तो इसको संभाल के खेलना पड़ेगा चलो हाँ चलो पकड़ लिया फाइनली इसको पकड़ लिया ये बढ़िया जगह पे अटक गया है चलो वो फाइनली मैंने कैसे भी करके दोस्तों इसको पकड़ लिया ऐसे करके यहाँ से निकल लिया तो अभी इस तरफ चलते ओ ये इस तरफ आ गए तो अभी यहाँ से पानी पकड़ के
चलो तभी उस तरफ जाना पड़ेगा, तो उस तरफ के पानी पे हमें जंप लगाना पड़ेगा दोस्तों। अगर इस तरफ के पानी में गिर गए तो फिर तो मतलब पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। चलो हम दूसरी तरफ के पानी में आके गिर गए, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ तो इसी तरफ से हमें सीधा जाना पड़ेगा। चलो क्या बात है दोस्तों, क्या खूबसूरत पानी है दोस्तों, जगह भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ओ तो यहाँ से ऊपर चलते, ठीक है। हाँ तो यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी किस तरफ जाना है, तो जाना किस तरफ है वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अबे यार जाना कहाँ है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। वो क्या था, किसी चीज की आवाज आई मुझे अभी। अच्छा अभी मैं समझ गया दोस्तों, अच्छा अभी मैं समझ गया, हमें इस तरफ जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। हाँ अब दिखाई दिया दोस्तों, यहाँ पर इतनी मतलब छोटी सी जगह पे छुपा के रखा था कि दिखाई नहीं दे रहा था दोस्तों, तो अब दिखाई दिया है। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ से हम ऊपर चलते, चलो फाइनली ऊपर पहुँच के। चलो ये फाइनली क्लाइंब कर लिया। तो ये भी एक बहुत ही प्राचीन पुराना सा मंदिर है दोस्तों, यहाँ तक आने भी बहुत ही जोखिम और कठिनाई का सामना हमें करना पड़ा। तो ये देख सकते हो यार क्या मंदिर है, क्या जगह है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर चलते हैं अभी, लेकिन इसके अंदर जाने के बाद भी बहुत सारा लंबा ट्रिप होगा दोस्तों, तो उसमें भी थोड़ा सा बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आज के वीडियो को दोस्तों यहीं पर एंड कर देता हूं दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको गेम प्ले वीडियो कैसा लगा दोस्तों आज का। आप अगले कौन से गेम पर वीडियो देखना चाहेंगे दोस्तों मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। शैडो ऑफ द टॉम्ब रेडर का गेम सीरीज़ मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा खत्म होने वाला है जल्दी जल्दी, एक हफ्ते के तो मैंने कहा था, एक हफ्ते में ही उम्मीद करता हूँ खत्म हो जाए। तो उसके बाद तो और भी नए नए गेम्स आने वाले, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप कौन से गेम्स का गेम प्ले देखना चाहेंगे, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों। तो ज़रूर करना दोस्तों, मुझे आप लोगों का फीडबैक जानना बहुत जरूरी है। तो अगला वीडियो दोस्तों कल ही आ जाएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज स्टे हैप्पी।